पेरेंटल प्रोसेस एंड दिस इज बाई पेरेंटल प्रोसेस। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम कह रहे हैं कि ये एक पेरेंट बॉडी है, ठीक है, ये डिवाइड होगी, इसने अपने जैसे टू पे क्या बना ली, डॉटर सेल बना ली अपने जैसे, नहीं तो बेटा जो कैरेक्टर्स इसमें आएंगे वही कैरेक्टर इसमें आएंगे, कुछ डिफरेंस होगा? नो मैम, नहीं ना। तो इन एसेक्सुअल देयर इज नो वेरिएशन, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है, बट इन सेक्सुअल वेरिएशन विल कम, वेरिएशन विल अकर, इसमें वेरिएशन होंगे। कैसे होंगे? हाफ ऑफ द मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल इज फ्रॉम मदर एंड हाफ इज ऑफ फ्रॉम फादर, दैट इज वाई 50-50-100, तो दोनों डिफरेंट हो गए, इसीलिए इसके अंदर वेरिएशन आएंगे, उसमें वेरिएशन नहीं आएंगे, ठीक है। फॉर एक्सली इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जाम्पल हो मुझे, फॉर एग्जाम्पल अमीबा यूनिसेलुलर, मेनली जो ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर, प्लांट्स में भी जो सीडलेस प्लांट होते हैं जिनके अंदर सीड नहीं बनते वो सारे हमारे किस में आएंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें बेटा एग्जाम्पल ऑल एनिमल्स, सारे के सारे जो एनिमल्स है दैट विल कम अंडर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। Now we will describe in brief methods of asexual reproduction. Methods of asexual reproduction. हम methods करेंगे, ठीक है। First जो methods है आपने seventh class में read किया था, बताओ मुझे। Binary fission. Good. सीधा हम करेंगे fission. Fission का मतलब क्या होता है? Breakdown होना, breaking of organism, ठीक है। सीजन का हमारे पास एग्जांपल था अमीबा, अमीबा, ठीक है। अमीबा के अंदर क्या होगा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, इट विल स्टार्ट टू डिसोसिएट और इसके बीच में कैसे कंस्ट्रिक्शन आ जाएगी, फर्स्ट के अंदर कंस्ट्रिक्शन बन गई और फिर एक से कितने अमीबा बन जाएंगे, टू, फर्स्ट सेकंड। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, फीजन, कौन सा फीजन, बाइनरी फीजन, कौन सा फीजन, बाइनरी फीजन का मतलब होता है दो बनना। वैसे बता रही हूँ, एक और होता है हमारे पास मल्टीपल फीजन, ठीक है। जैसे प्लाज्मोडियम, जब हमें फीवर होता है तो हमारी बॉडी एकदम से गर्म हो जाती है, एकदम से ठंडी हो जाती है, वो होता है दैट इज ड्यू टू प्लाज्मोडियम, जो लार्वा अटैक करता है हमारे ऊपर, हमारी आरबीसी के अंदर घुस जाता है वो और अपने आप को बढ़ाता है वो नंबर फीजन से। पहले जब वो हमारी बॉडी से एनर्जी लेगा अपने आप को बढ़ाने के लिए, तो अब हमें ठंड लगेगी, हमारे ऊपर जितने मर्जी कंबल डाल दो, गर्म कपड़े डाल दो, हमारी ठंड नहीं जाएगी। फिर क्या आएगा, जब ये पूरी भर जाएगी आरबीसी, ये एकदम से रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी, तो ये सारे बाहर आ जाएंगे, उस टाइम क्या होगा, ब्रेकिंग, जब भी कोई प्रोसेस होती है उसमें से क्या निकलती है, हीट एंड एनर्जी, फिर हमें पसीना आएगा, गर्म हो जाएगा हमारा शरीर बिल्कुल। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फीजन, ठीक है फीजन, लेकिन एक से दो बनना बाइनरी है, एक से बहुत सारे बनना दैट इज ऑफ मल्टीपल फीजन। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन, किसमें होता है फ्रेगमेंटेशन, इन द यीस्ट एंड हाइड्रा, फ्रेगमेंटेशन नॉट बडिंग, फ्रेगमेंटेशन आगे दो पीछे छोड़, मैम यीस्ट, फ्रेगमेंटेशन एल्गा, एग्जांपल नहीं था तुम्हारा स्पाइरोगाइरा, यस मैम, आए आप, यस, इसके अंदर होती है जो पानी के अंदर लाइफ होती है, उसमें जो इनकी बॉडी होती है सिलेंड्रिकल होती है ऐसे, फिलामेंटस, ठीक है। एक बीच में क्या हो जाएगा, कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी और एक पीसेस से कितने बन जाएंगे, सो दैट इज द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट का मतलब ही क्या होता है, टुकड़े होना। तो ये पेरेंट बॉडी हो गई, पेरेंट सेल, और ये हमारी क्या हो गई, डॉटर सेल। सो एग्जांपल इज स्पाइरोगाइरा। फिर है बेटा हमारे पास थर्ड, बडिंग, ये जो अभी बताया था इसमें होती है हाइड्रा, हाइड्रा ईस्ट, ईस्ट क्या है, ईस्ट इज अ बैक्टीरिया, ठीक है। तो हमारे पास जो ईस्ट होते हैं दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईस्ट,
ये ईस्ट का स्ट्रक्चर है फिंगर्स है, इसके बाहर स्वोलन स्ट्रक्चर आ जाएगी, ठीक है। अपने आप को ग्रो करेगी, जैसे सूज जाती है कोई बॉडी, गांठ सी बन जाती है, स्वेलिंग लाइक दिस। फिर ये अपने आप को ग्रो करेगी फर चेन लाइक स्ट्रक्चर में। जब ये थोड़ी चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये यहाँ से क्या हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी, अलग हो जाएगी और सोयल के अंदर गिर जाएगी और अपने आप को क्या करेगी, एज ए न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रोथ। दिस इज द बड। बडिंग से, बडिंग का मतलब बड, ये जो बनी हुई है ना ये बड है, तो बड के नाम बनने की वजह से इस प्रोसेस का क्या नाम हो गया, बड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास स्पोर, नेक्स्ट वन इज वो स्पोरेंजिया, स्पोर फॉर्मेशन है ना तुम्हारे में, स्पोरेंजिया नहीं है, चलो यही थे आपके में, बाइनरी फ्यूजन हो गया, मल्टीपल फ्यूजन हो गया और बडिंग हो गया। अब हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने अभी रीड किया था जो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही क्या होंगे, रिक्वायर होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दिस प्रोसेस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल आर रिक्वायर टू गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बेटा ये तो होगी फिजिकल मेटरी, इसमें एक टर्म आती है फिर फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो मेल और फीमेल है, मेल रिलीज करेगा मेल गैमेट और फीमेल रिलीज करेगी फीमेल गैमेट। फिर ये फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स फर्दर फ्यूजन में पार्टिसिपेट करेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। यू कैन राइट इट लाइक द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल बॉडीज, उसमें फीमेल बॉडीज मेल और फीमेल, लेकिन इसमें गैमेट्स, मेल गैमेट्स कौन से होते हैं, ओवम स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स कौन से होते हैं, ओवम। तो स्पर्म और ओवम फ्यूज करेंगे टू फॉर्म सिंगल सेल, सिंगल सेल क्या बोलते हैं उसको, जाइगोट, जाइगोट, ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट। और जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल न्यूक्लियस, ठीक है, ये सिंगल सेल होता है। उसके बाद आते हैं बेटा बटी, अब यहाँ से आप बहुत सारी डेफिनेशन निकाल सकते हो, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज मेल गैमेट, डिफाइन स्पर्म, डिफाइन ओवम, डिफाइन फीमेल गैमेट, अलग अलग से, ठीक है। देन वी आर व्हाट इज जाइगोट, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ इज जाइगोट डिफाइंड, दैट इज डिफाइंड एज अ सिंगल सेल आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज हर्मेफ्रोडाइट, हर्मेफ्रोडाइट क्या होता है, द इंडिविजुअल दैट प्रोड्यूस बोथ मेल एंड फीमेल, जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज बोथ आर प्रेजेंट, ठीक है, दैट इज नोन एज हर्मेफ्रोडाइट। सो हर्मेफ्रोडाइट एग्जांपल इज अर्थवर्म, लीचीज, दीज आर द एग्जांपल ऑफ हर्मेफ्रोडाइट, अर्थवर्म, लीचीज। एक ही एनिमल्स पर हाफ पोर्शन मेल का और हाफ पोर्शन फीमेल का, तो वो दोनों इंक्लूडेड होते हैं हर्मेफ्रोडाइट। लेकिन जो फीमेल और मेल को हम सेपरेट सेपरेट रखते हैं वो सिंगल बॉडीज है, सिंगल मेल सिंगल फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट वन है बेटा हमारे पास, हेयर वी आर हैविंग द नेक्स्ट वन रिप्रोडक्टिव पैटर्न, जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है हमारे पास, आप उसके पैटर्न हम डिस्कस करेंगे कि वो कितने टाइप से अकर होती है, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट, जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्लस एक्सटर्नल
भी एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल होती है. एग्जाम्पल इज फ्रॉग. फ्रॉग के अंदर फर्टिलाइजेशन भी एक्सटर्नल है और डेवलपमेंट अपने एग फीमेल वाटर में लेकर देती है और मेल स्पर्म वाटर में लेकर देता है. तो दोनों का फ्यूज होएगा और जो जाइगोट है वो वाटर में ही बनेगा. इसलिए उसकी डेवलपमेंट भी कैसी हो रही है एक्सटर्नल. सेकंड है बेटा इंटरनल. फर्टिलाइजेशन प्लस एक्सटर्नल डेवलपमेंट. अब एक इंटरनल है और एक प्रोसेस कैसी है एक्सटर्नल. तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल डेवलपमेंट किसमें होती है बर्ड्स. एग्जाम्पल है इसका ठीक है. फर्टिलाइजेशन इंटरनल है लेकिन जो उसका एग है वो ले होने के बाद उसमें जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा ठीक है. अब अच्छा एक बार बताओ ये जो डिस्कस होता है कि ये वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है हम उसको नॉन वेजिटेरियन में काउंट करते वेजिटेरियन में काउंट करते हैं कि एग. लेकिन देखो जब वो सेल उसके अंदर कंबाइन हो गया तो वो लिविंग है. जो न्यूक्लियस से लाइव करेगा तभी तो एम्ब्रियो बनेगा. अगर वो डेड होएगा तो एम्ब्रियो वहां से बनेगा उसके. समझाई मेरी बात ठीक है. तो वो लाइव है इनसाइड उसके. ये देखो जो योग कर रहे थे. थर्ड है हमारे पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन और प्लस इंटरनल डेवलपमेंट. ठीक है. तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल डेवलपमेंट में एग्जांपल ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन क्योंकि जो मदर है वो कैरी करती है 9 months तक अपने बेबी को. तो इंटरनल ही उसकी बॉडी की डेवलपमेंट होती है ठीक. नेक्स्ट इज रिप